क्या सच में दिया है सलमान खान ने रानू मंडल को घर? कौन बनाएगा रानू की जिंदगी पर बायोपिक? और वो कौन से एक्टर हैं जिनके घर में रानू किया करती थी काम? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो आपको एक महिला तो दिखी जाएगी जिसका नाम है रानू मंडल। जी हाँ, ये वही इंटरनेट सेंसेशन है जो लता मंगेशकर का एक गाना एक प्यार का नगमा है गाकर फेमस हो गई और रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद खबर आ रही थी कि सुपरस्टार सलमान खान ने इनके टैलेंट से काफी प्रभावित होकर इनको 55 लाख का घर और दबंग में 3 गाने का ऑफर दिया है। इस खबर ने रातों रात चिंगारी पकड़ ली और लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन अब पता चला है कि ये खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सलमान खान ने रानू को ना तो कोई घर दिया है और ना ही दबंग 3 में गाने का ऑफर दिया है। इस खबर का खुलासा करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। हिमेश रेशमिया ने जरूर रानू मंडल के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया है और वो उनके फिल्म में नजर आएगा। ये गाना है तेरी मेरी कहानी, जिसका प्रोमो हिमेश रेशमिया ने रिलीज किया था, जिसके बाद ये गाना छाया हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर गाना गाकर अपना पेट भरने वाली रानू मंडल ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आएगा कि वो बॉलीवुड में छा रही। वो शख्स जिसने रानू मंडल को सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है, उसका नाम है अतिंद्र चक्रवर्ती, जिसने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की। रेलवे स्टेशन पर गाने गाने से लेकर रानू मंडल ने रफ्तार से नहीं बल्कि देर से बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। इसकी वजह उनका टैलेंट है जिसे सोशल मीडिया ने वायरल कर दिया। अब उन पर एक बड़ी बायोपिक बनने जा रही है। जी हाँ, ये मौका उन्हें हिमेश और सलमान के नाम के साथ खुद के टैलेंट की वजह से मिल रहा है। हिमेश की फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करने के बाद खबर है कि रानू जल्द एक भोजपुरी फिल्म में भी सॉन्ग गाने जा रही हैं। सलमान खान भी रानू का गाना सुन चुके हैं। मुमकिन है कि वो भविष्य में अपनी किसी फिल्म में रानू को गाने का अवसर दे सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि रानू जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बंगाली भाषा वेबसाइट अनुसार रानू मंडल की बायोपिक लोकप्रिय निर्देशक ऋषिकेश मंडल बनाएंगे। वो इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन करेंगे। रानू इस बायोपिक में खुद गाना गाएंगी। इसकी शूटिंग इसी साल सितंबर में शुरू होगी। मशहूर बंगाली सिंगर सिद्धार्थ रॉय ने इस खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में सॉन्ग गाने का प्रस्ताव उन्हें मिला है। दोस्तों, रानू से जुड़ी एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल रानू मंडल किसी जमाने में एक खान स्टार परिवार के घर में काम किया करती थी। हम बात कर रहे हैं अभिनेता फिरोज खान की। जी हाँ, एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में रानू मंडल ने बताया कि उन्होंने न सिर्फ वहाँ काम किया बल्कि फरदीन खान और संजय खान की केयर टेकर भी रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग इसको लगातार शेयर कर रहे हैं। रानू मंडल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी किस्मत का सिक्का इस तरह से उछलेगा कि पूरा देश उनकी कला का मुरीद बन जाएगा। रानू का कहना है कि फिरोज खान के पूरे परिवार के लोग सभी उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया करते थे। उम्मीद करते हैं कि रानू को जल्दी से जल्दी और फिल्मों के ऑफर मिले और उनकी किस्मत की गाड़ी पूरी तरह से बदल जाए। दोस्तों, इस तरह की और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक